बच्चेदानी से ये अंडा निकलता हुआ और इधर से स्पर्म गति करते हुए बढ़ रहे हैं। जब अंडा निकलता है और साथ में इधर से स्पर्म वेजाइना के थ्रू जो ट्रेवल करते हुए जाते हैं, और रास्ते में जाते हुए ये एक बच्चेदानी का मुंह होता है, इसको क्रॉस करते हैं। इसको क्रॉस करने के बाद गर्भाशय अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर दोनों फेलोपियन ट्यूब की तरफ से स्पर्म जाते हैं और एक ट्यूब की साइड से एक अंडा निकलता है हर महीने। अब इस अंडे के पास बहुत सारे स्पर्म पहुंचेंगे और ये इसमें से कोई एक शक्तिशाली जो स्पर्म, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम शक्तिशाली स्पर्म होता है, वो उसको क्या करता है, उस अंडे की दीवार को तोड़ता हुआ अंदर भेज देता है। अब ये एंजाइम है, यही स्पर्म के जो डीएनए मटेरियल होता है, उसका जीन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है स्पर्म का, वो अंडे के अंदर जा पाता है। इसके बाद में अंडे का जो जीन है और जो स्पर्म का जीन यानी पुरुष का जीन है, वो मिलके एक जायगोट बनाते हैं। ये जायगोट मल्टीपल सेल में विभाजित होती है। ये सारी प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब में होती है। फेलोपियन ट्यूब से 4-5 दिन में गति करता हुआ ये जायगोट अपनी मल्टीप्लाई सेल के साथ में आगे बढ़ता हुआ ये गर्भाशय की दीवार से चिपकता हुआ नीचे आता है। अब इसमें दीवार के साथ में ये चिपकना स्टार्ट करता है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये दीवार तोड़ता हुआ ये इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में ये बच्चा लग जाता है और ये धीरे धीरे बच्चा ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। जो 1 महीने का बच्चा हो जाता है, दिल की धड़कनें आना स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे प्लेसेंटा बन जाता है पूरा 3 महीने में, जो अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है और ये बच्चा ग्रोथ करता रहता है। ये प्लेसेंटा से वो न्यूट्रिशन लेता है और ये धीरे धीरे बच्चा एक थैली के अंदर होता है। इस थैली के अंदर एमनियोटिक एक फ्लूड होता है, पानी होता है, जिसके अंदर इसको बाहर से चोट ना लगने से या हर तरह से उसको प्रोटेक्ट करता है। इस पानी को ही बच्चा पीता रहता है और ये पानी बाथरूम से ही बनता है, यानी बच्चा पेट के अंदर वो जो ये पानी पीता है और इसी के अंदर बाथरूम करता है। पर ये स्टराइल होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चा गति करता है और जब 18 वीक का या 20 वीक का हो जाता है तो बच्चा किक मारना यानी लात मारना स्टार्ट कर देता है। ऐसे बच्चे की ग्रोथ होती रहती है। 7वें महीने में बच्चा अच्छे से बड़ा सा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो 34, 35, 36 वीक तक हो जाता है, पूरा मेच्योर हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही 36 वीक से 37, 38, 40 वीक के समथिंग ये डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है बच्चा बाहर निकलने के लिए। तो इस प्रकार फर्टाइल एग से लेके बच्चे के जन्म स्टार्ट होता है, यहाँ तक की स्टोरी ये है।